Hello everyone, I'm Rakhi. In this video also, we'll be learning about nomenclature of organic compounds, chapter number 12, class 11. So let's begin. In my previous video, I told you about that for nomenclature of organic compounds, we need three basic things. Word root, suffix and prefixes. Okay. I told you about the word root. What is word root? Word root kya hai? Ek basic unit hai kiski? Naming karne ke liye. Hame matlab jo ek basic unit chahiye kisi bhi compound ko name karne ke liye, it is word root. That means, word root kya denote karta hai? It denotes the number of carbon atoms in a principal chain. A principal chain maine aapko bataya tha ki principal chain kya hoti hai? Bahut lambi continuous chain hoti hai carbon chain, carbon atoms ki, jiske andar mein functional groups aur multiple bonds dono present hote hain. ठीक है, सो वो वर्ड रूट के बारे में था. अब मैंने एक और चीज आपको बतानी है कि इन जनरल द वर्ड रूट ऑफ एनी कार्बन चेन, ध्यान रखिएगा कि कार्बन किसी भी कार्बन चेन का या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो वर्ड रूट होगा वो स्टार्ट होगा एल्क से, ए एल के. ओके, तो जो वर्ड रूट स्पेसिफिकली होगा वो एल्क होगा. इस एल्क के बारे में विल बी डिस्कसिंग फर्दर, तो आपको तब क्लियर अच्छे से हो जाएगा. सो नाउ मूविंग फर्दर टू सेकेंड सफिक्स. See, there are two types of suffixes. Suffix का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास word root है. Suppose I'm having a word root over here. ठीक है, and now what is, this is my word root. तो मैंने word root लिया है. और मुझे अब second क्या है? Suffix. Suffix क्या है? Suffix is a thing which is added after word root. तो यहाँ मेरा suffix आएगा. Suffix क्या है? जो बाद में add up हो जाए word root के. So there are two types of suffixes. Primary suffix है पहले. We'll discuss about the primary suffix. There are two types of suffixes. Primary suffix and secondary suffix. So, we'll be discussing here about primary suffix. A primary suffix is always added to the word root to indicate whether the carbon chain is saturated or unsaturated. So, primary suffix hum kyun word root ke baad mein lagate hain? Just to indicate ki jo hamara carbon chain hai, jo bhi humne carbon chain li hai, wo saturated hai ya unsaturated. Saturated ka matlab kya ho gaya? एक सिंगल बॉन्ड. और अनसैचुरेशन का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. सो प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट. वर्ड रूट के बाद जैसे वर्ड रूट है उसके जो नेक्स्ट होगा वो हम प्राइमरी सफिक्स देंगे टू इंडिकेट कि वेदर द कार्बन चेन वो हमारे सैचुरेट है या अनसैचुरेटेड है. ओके, थ्री बेसिक प्राइमरी सफिक्सेस होते हैं हमारे. बेसिक जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं वो देखो ये थ्री होते हैं. ठीक है, दीज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये हमारा जनरल नेम है. तो हमारे बेसिक थ्री सफिक्सेस क्या होंगे? एन, ईन और आइन. सो थ्री बेसिक प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन, ईन एंड आइन. एन इंडिकेट क्या करता है? जो सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. ईन इंडिकेट करता है डबल बॉन्ड को. और आइन, वाई एन ई, रिमेम्बर ये वाई एन ई है. आइन क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा ट्रिपल बॉन्ड को. तो सैचुरेटेड टाइप ऑफ कार्बन चेन, देखो हमारे पास एक कार्बन चेन है तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बन चेन. सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड के अंदर वन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और दो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं. तो प्राइमरी, अब हम सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन चेन है, दैट मीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्राइमरी सफिक्स जो हम वर्ड रूट के बाद लगाएंगे वो क्या होगा? एन होगा. अनसैचुरेशन में अगर वन डबल बॉन्ड आ रही है, अगर हमारे पास एक कार्बन चेन है जो अनसैचुरेटेड है और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो उसमें ईन होगा, तो क्या बनेगा? हमारा एल्कीन बनेगा. जब मैंने बोला था कि जब हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो जनरली हमारा क्या होगा? एल्कीन होगा. एक डबल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स हमारा ईन होगा और जनरल नेम एल्कीन होगा. जब हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स आइन है तो जनरल नेम एल्काइन है. टू डबल बॉन्ड्स है, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा, डाइन हो जाएगा. तो जनरल नेम उस टाइम पे क्या होगा? एल्का डाइन. जब टू ट्रिपल बॉन्ड्स है हमारे पास तो प्राइमरी सफिक्स क्या बन जाएगा? डाई आइन. तो हमारा जनरल नेम क्या हो जाएगा? एल्का, एल्का डाइन, एल्का डाइन. ओके, सो अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ. मिक्सचर मिक्स करते हैं हम वर्ड रूट को और प्राइमरी सफिक्स को, तो क्या बनेगा? हम मिक्स करेंगे वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स. तो इसे हमारे पास, मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3CH2CH2CH3. तो इसका वर्ड रूट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्ड रूट ब्यूट आया तो कैसे आया ये ब्यूट? तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हम जो हमारा वर्ड रूट होता है हम उसको कैसे मेंशन अप करेंगे. हम जो हमारे पास कंपाउंड होगा, द कंपाउंड विच विल बी गिवन टू अस विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स.
1, 2, 3, 4, 5, 6 जहां जितने कार्बन एटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि अगर एक कार्बन एटम होगा तो मिथ है बर्ड रूट, दो कार्बन एटम होंगे तो इथ है, 3 होंगे तो प्रॉप है, 4 होंगे ब्यूट, 5 तो पेन, ऐसे सॉर्ट मैंने आपको पीजीसी में बताया था। तो इसका हम बर्ड रूट पहले फाउंड आउट करते हैं। 1, 2, 3, 4 दैट मीन्स इस कार्बन जो हमारी कार्बन चेन है इसमें कितने हमारे पास कार्बन है, 4 कार्बन है, 1, 2, 3 and 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। बर्ड रूट क्या हो गया इसका, ब्यूट हो गया। अब इसका मैंने अब प्राइमरी सफिक्स देखते हैं, मैंने बताया था प्राइमरी सफिक्स अगर हमारे पास कार्बन जो चेन है वो सैचुरेटेड है दैट मीन्स उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन होगा। तो हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन हो गया यहाँ पर। और जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा एक आईपैक नेम मिल जाएगा इसके लिए, इस मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमारा एक आईपैक नेम मिल जाएगा। तो बर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, तो बर्ड रूट क्या, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स क्या, एन, तो आईपैक नेम क्या हो गया, ब्यूट एन हो गया, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड पे आते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो अब हम फर्स्ट वर्ड रूट देखते हैं, इसका वर्ड रूट है क्या एक्चुअली। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2 and 3, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो क्या होगा इसका वर्ड रूट, प्रॉप, बिकॉज मैंने बताया था जब हमारे पास 1 कार्बन एटम होगा तो क्या होगा, मिथ होगा, जब 2 कार्बन एटम होंगे तो इथ होगा वर्ड रूट, जब 3 कार्बन एटम्स होंगे तो प्रॉप होगा, 4 कार्बन एटम्स होंगे तो ब्यूट होगा, ओके। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। तो हमारे पास यहाँ पर इस कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो बर्ड रूट क्या हो गया हमारा, प्रॉप। अब प्राइमरी सफिक्स के लिए मैंने बताया था कि अगर कार्बन चेन हमारी सैचुरेटेड होगी तो एन होगा, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड होगी तो डिपेंड करेगा कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस कार्बन चेन में हमारे पास कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओनली 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, जब मैंने कहा था कि अनसैचुरेटेड तो है ही कार्बन चेन बिकॉज डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड में भी हम एक देखेंगे, विल सी कि 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, या 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड इज देयर। तो इस कार्बन चेन के अंदर हमारे पास कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दिस, तो प्राइमरी सफिक्स क्या था इसका, ईन था, तो ऑब्वियसली मैं इसका प्राइमरी सफिक्स क्या कर दिया, ईन कर दिया। तो इसका आईपैक नेम जब हम बर्ड रूट प्लस हम प्राइमरी सफिक्स को एड अप करेंगे तो व्हाट विल गेट, प्रॉप ईन, जस्ट प्रॉप ईन। मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि जो बर्ड रूट होता है किसी भी इन जनरल कोई भी बर्ड रूट होगा कार्बन चेन का वो क्या होगा, एल होगा। सो सी दीज, ब्यूट, प्रॉप, इथ, ब्यूट, ब्यूट, दीज ऑल आर एल्क, दीज आर ऑल आर एल्क, ओके। तो ये ब्यूट जैसे वर्ड मेरा ब्यूट था, प्राइमरी सफिक्स ए तो ब्यूटेन, वर्ड मेरा प्रॉप है प्राइमरी सफिक्स एन तो प्रॉप एन हो गया। तो ये हमारा एल्क प्लस एन हो गया, एल्क प्लस एन हो गया। तो अगर एल्क जो ये मेरा ग्रुप है एल्क, ये एल्क है प्लस एन, तो वर्ड रूट कोई भी एल्क होगा, वर्ड रूट हमेशा क्या होगा, एल्क ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ड रूट मेरा यहाँ पर क्या है, हमेशा में एल्क ही है एक तरह से, ठीक है। तो मेरा वर्ड रूट अगर एल्क है और एन मेरा प्राइमरी सफिक्स है तो कोई भी वर्ड रूट होगा वो एल्क ही होगा। तो मेरा जिसे मैंने सैचुरेटेड में लिया जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था कार्बन चेन में वो एल्केन हो गया, जब अनसैचुरेशन कार्बन चेन आई और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक तो मेरा क्या हो गया वो ईन हो गया, तो वो एल्कीन बन गया। ट्रिपल बॉन्ड आया मेरा कार्बन चेन में तो मेरा एल्क प्लस आइन एल्क आइन बन गया। सो फर्दर ऑन आई डिस्कस बिफोर ओनली। सो अब हम सेकेंड पे चलते, थर्ड पे चलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। तो हमारे पास अब हम फर्स्ट वही करेंगे, वर्ड रूट देखेंगे तो कितने नंबर कार्बन एटम्स है, 1 and 2, तो हमारा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा इसके अंदर, आइन, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन चेन में, अनसैचुरेशन है, तो आईपैक क्या हो जाएगा, इथाइन, ETHYNE, तो इथाइन। नाउ सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो हमारा इसके अंदर वर्ड रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ब्यूटा लिखा है, देन इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इसमें ये कार्बन जो हमारी कार्बन चेन है वो अनसैचुरेटेड है और इसमें कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, तो ऑब्वियसली डाइन होगा और आईपैक नेम क्या होगा मेरा, ब्यूटा डाइन हो गया। सिमिलर द केस वाज विद दिस, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2
थ्री एंड फोर, फोर ये है, फिर वही ब्यूटा वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, इसमें क्या है डाई डाइन, ओके डी वाई बी आई वाई एन ए, ओके तो आईबेक नेम इसका कॉम्बिनेशन से क्या गया ब्यूटा डाइन। आप सोच रहे होंगे कि ना इस बार मैंने यहाँ पर ये ए क्यों लिखा है यहाँ पर और मैंने इस हैशटैग का साइन लगाया है। I'll be discussing about it in my next video, so do watch my next video for further learning of nomenclature of the organic compounds. Till then, goodbye.